गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माई सेल्फ रश्मि सिंह, आई एम योर जेके टीचर ऑफ क्लास 3। सो चिल्ड्रन, यू आर ऑल वेलकम इन टूडेज क्लास। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। सो टूडेज आवर टॉपिक इज सम गुड बुक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 17 एंड आर बुक नेम इज टूगेदर विद जर्नल अवेयरनेस। So children, today we will read page number only 37. Before reading this chapter, children, I want to show your course book. This is your course book. The name of your course book is Together with Journal Awareness for Class 3. And children, today's our chapter is chapter number 17 and our topic is Some Good Books. It means, children, in this chapter today, we will learn the name of some important, some valuable, holy and religious books. कुछ इस चैप्टर में बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बहुत ही कीमती जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, पवित्र जो हमारी किताबें हैं, they are very important for us because they are the मिरर ऑफ आवर इंडियन कल्चर। वो हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक झलक उनमें दिखाई देती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं, जो रिलीजियस हैं, हमारी धर्म के बारे में जिससे हमें पता चलता है, उन बुक्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रेन, बुक आर मैंस बेस्ट फ्रेंड। एज यू ऑलरेडी नो, आप जैसा कि जानते हैं कि किताबें जो होती हैं बच्चों, वो मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम वैल्यूबल बुक्स, और कुछ ऐसी ही बहुत ही प्रीशियस बुक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। दिस इज द पिक ऑफ रामायण। जो रामायण की बुक हो है बच्चों, उसका ये फर्स्ट कवर पेज है, है ना। यू कैन ऑल्सो हेयर सी द पिक ऑफ राम एंड सीता। इस पर आपको पिक किसकी दिखाई दे रही है, लॉर्ड राम एंड सीता की जो पिक है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब हम इस किताब के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज रामायण। ये क्या है बच्चों, रामायण की बुक है। इट इज़ अ रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज। ये हिंदुओं की बहुत ही धार्मिक और मेन जो बुक होती है। इट वॉज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा। इस किताब के अंदर किसकी कहानी बताई गई है, भगवान श्री राम जी की जो कहानी है वो इस बुक में बताई गई है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, दिस इज़ द बुक ऑफ महाभारत। ये जो बुक है वो महाभारत है। एंड दिस इज़ द महाभारत, ये महाभारत की किताब है। इट इज़ अनदर रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज। हिंदुओं की यह दूसरी धार्मिक किताब है। इट वॉज रिटन बाय वेद व्यास। तो महाभारत बच्चों किसके द्वारा लिखी गई थी, वेद व्यास जी के द्वारा। इट इज़ स्टोरी ऑफ कौरव एंड पांडव। इसमें कौरव और पांडवों की जो कहानी है वो इस बुक में बताई गई है। इट इज़ द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो है महाभारत। एंड दिस इज द होली बाइबल। और यहाँ पे ये जो बुक दिखाई दे रही है बच्चों, होली बाइबल, बाइबल किसकी किताब होती है, क्रिश्चियंस लोगों की बुक होती है। सो दिस इज होली बाइबल, ये बहुत ही पवित्र बाइबल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इट इज़ अ रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियंस। यह है क्रिश्चियन लोगों की धार्मिक किताब होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो भागों में बटी हुई है। पहला जो इसका पार्ट है द ओल्ड टेस्टामेंट है, एंड जो सेकंड पार्ट है वो न्यू टेस्टामेंट है। तो ये बाइबल आपको यहाँ दिखाई जा रही है, क्रिश्चियन लोगों का धार्मिक बुक होती है। महाभारत और रामायण हिंदुओं की धार्मिक और पवित्र किताब होती है। So in this chapter, this is a Panchtantra. This is the book of Panchtantra. Story book होती है बच्चों, और इसमें stories किसके बारे में होती हैं, animals के बारे में होती हैं। This is a Panchtantra.
इट कंटेन्स मैनी स्टोरीज ऑन मोरल वैल्यूज, जो हमारी नैतिकता से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ होती हैं जिनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है, वो सारी कहानियाँ इस बुक में दी गई हैं। विजडम एंड नॉलेज रिटन बाय, इससे हमें बहुत ज्ञान मिलता है और हमारी बुद्धि बढ़ती है, रिटन बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। द मेन कैरेक्टर इन दीज स्टोरीज आर एनिमल्स, इस जो मेन कैरेक्टर है इस बुक के अंदर, इसमें क्या है, जानवरों का जो कैरेक्टर दिखाया गया है। तो ये कहानियों की किताब है, मोरल वैल्यू से रिलेटेड है, जिससे हमारी विजडम बढ़ती है और हमारी हम बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। और इट दिस बुक इज़ रिटन बाय विष्णु शर्मा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो मेन कैरेक्टर है इसमें, वो जानवरों को बताया गया है, जानवर हैं इसके जो इसमें पात्र हैं। अब नेक्स्ट चिल्ड्रेन, नाउ वी विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द बुक्स एंड देयर ऑथर्स। सो हियर, दिस इज द बुक गीतांजलि, एंड गीतांजलि इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सेकेंड, द बुक इज गुलीवर्स ट्रैवल, which is written by Jonathan Swift. And third, the book The Discovery of India, this book was written by Jawaharlal Nehru. And Godhan, this book was written by Premchand, who was very famous poet. And this is the Alice in Wonderland, and this was written by Lewis Carroll. So here there are two columns. First column is related to books and second columns is related to their writers. In this way children, we will match the books and their writer names. So children, today's our topic is stopped here. I hope you will be understand this chapter in well manner. Thank you so much.